मध्य प्रदेश की मंदसौर पुलिस ने 4 नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले माफियाओं को गिरफ्तार किया है, जो कि एमडीएमए का व्यापार करते थे। इनके पास से 65 लाख रुपए का नशीला पदार्थ बरामद हुआ है। तो सचिव ग्राम पंचायत नाहरगढ़ अनिल पालीवाल की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को सरपंच ग्राम पंचायत पाल्य अमारू बसंतीलाल पाटीदार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को क्यामपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष भारत सिंह डांगी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को युवा मोर्चा मंडल मंत्री क्यामपुर नाहरगढ़ गोपाल जाट उर्फ नाटाराम की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पदम सिंह चौहान आवाखेड़ी नाहरगढ़ की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे तस्करों व माफियाओं के खिलाफ अभियान के बीच जिले की भावगढ़ थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अत्यंत घातक नशीले पदार्थ एमडीएमए को जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी ने बताया कि महानगरों व मेट्रो सिटी में पब रेव पार्टी व डांस क्लब में युवाओं के बीच अधिक उपयोग होने वाले ड्रग एमडीएमए जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए की है। भावगढ़ पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर घेराबंदी कर एक स्विफ्ट कार से 648 ग्राम अवैध नशीले मादक पदार्थ के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे जब्त ड्रग्स की कीमत करीब 65 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। मंदसौर में भादौदा थाने पुलिस ने एक सफलता पाई है। इन्फॉर्मेशन थी कि कुछ लोग जो हैं राजस्थान की तरफ एक कार में जा रहे हैं, उसके पास एक ड्रग्स होने की पॉसिबिलिटी बताई गई थी। सूचना के आधार पर भावगढ़ की टीम और हमारे एसडीओपी साहब ने वहाँ पे नाकेबंदी कराई। उस नाकेबंदी के बाद जब उस कार को रोका गया तो उसमें 4 व्यक्ति मिले जिनके पास एक घातक ड्रग्स जो आजकल एमडी के नाम से फेमस है, और ये ड्रग्स जो है वास्तव में जो है मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा यूज़ होता है। आप लोगों ने रेप पार्टी नाम सुना होगा, रेप पार्टीज में यूज़ होते हैं और जो आज के यूथ जनरेशन है उसको एक नशे के रूप में इस्तेमाल करती है। बेसिकली ये साइकोट्रॉपिक ड्रग्स है जिससे कि आदमी जो है 6 से 8 घंटे के लिए बिल्कुल अपनी अलग ही दुनिया में चला जाता है। इस ड्रग्स को ये सिंथेटिक ड्रग्स होता है जो कोई ओपीएम प्रोडक्ट नहीं है, तो मंदसौर में इसका प्रोडक्शन नहीं है, परंतु चूंकि ये ड्रग्स के इलाके हैं तो यहाँ से ये राजस्थान की तरफ जा रहा था। ये 4 लड़के हैं जिसमें से एक भावगढ़ का दीपक जैन है और एक आसिफ लाला है दरोदा थाना क्षेत्र का, एक घनश्याम पाटीदार है और एक अली है जो मंदसौर का रहने वाला है। करीब 648 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स मिला है, जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत जो इसकी है वो करीब 1 करोड़ रुपये किलो होता है, तो करीब 64 लाख रुपए की कीमत इसकी आंकी जा सकती है। इस ड्रग्स को म्याओ म्याओ और एक्सटेसी या फिर मैडी या इस तरह के अन्य नाम से भी कहा जाता है, आइस भी कहा जाता है क्योंकि ये क्रिस्टल वाइट क्रिस्टल के रूप में होता है, तो आइस के नाम से भी फेमस है और इसको बहुत हल्की मात्रा में ही सेवन किया जाता है और ये घातक इतना है कि अगर इसकी क्वान्टिटी ज़्यादा हो जाए तो मनुष्य की डेथ तक हो सकती है। इस पर हमने 4 को गिरफ्तार कर लिया और एनटीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। शुभकामनाएं। नाहरगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के प्रबंधक पवन जैन की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मंदसौर के जलारा सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष प्रहलाद शर्मा की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत खजूरी चंद्रावत जनपद पंचायत सीतामऊ के सरपंच प्रतिनिधि राजेश मेहरा की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नैनीताल के कोटाबाग से ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख शशि डंगवाल और सामाजिक कार्यकर्ता निर्मल डंगवाल की ओर से स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को 15 अगस्त आज़ादी के पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और मेरे प्यारे मध्य प्रदेश वासियों, आप सभी को आपके छोटे भाई का प्यार भरा नमस्कार।
और आप सभी को भी इस पर्व की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और आप सभी को भी ये जो मैंने बोला था कि रक्षाबंधन पे एक तोहफा सभी बहनों को और भाइयों को सभी को दूंगा, तो वो तोहफा इस बार 15 अगस्त पे मेरी तरफ से दिया जा रहा है हर मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति को जो राशन कार्डधारी हैं, उन्हें आधे दामों में राशन प्रदान किया जाएगा। और जिन बहनों को नौकरियाँ चाहिए वो भी दुकानों पर नौकरियाँ कर सकती हैं। वह इसी आशा के साथ आप सब लोगों से आपका आशीर्वाद चाहूँगा, और खास करके आप जिन लोगों ने मुझे जन्मदिन की बधाई भेजी है उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय श्री राम।